आज हम हस्तरेखा शास्त्र की इस श्रृंखला में अंगूठे का वर्णन करेंगे और मुख्य रूप से कार्तिकेय पद्धति का वर्णन किया जाएगा। शास्त्रों में लिखा है कि मानव शरीर ईश्वर की एक अद्भुत, सर्वोत्कृष्ट और अद्वितीय रचना है। इसमें पूरा ब्रह्मांड निहित है, समाया हुआ है। मनुष्य की हथेली में ग्रह नक्षत्रों के साथ साथ परमात्मा स्वयं अंगूठे के रूप में विराजमान है। जब तक शरीर में प्राणवायु आत्मा है, अंगूठा दृढ़ स्थिर रहता है। मृत्यु के साथ ही यह शक्तिहीन होकर गिर जाता है। मनुष्य ही वास्तु पुरुष है। अब हम अपने आप को मेरे इस ब्लॉग के माध्यम से, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं इसको फोकस कर रहा हूं ताकि और अधिक स्पष्ट दिखाई दे। इस अध्याय का नाम है थंब, अंगूठा, एटिटाइज ऑन पामिस्ट्री 2.2, हस्तरेखा शास्त्र। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से दक्षिणा के रूप में अंगूठा मांगा था और उसको शक्तिहीन बनाने का प्रयास किया था। शास्त्रों में अंगूठे को हंस, शिव, गणेश, विष्णु, सूर्य आदि नामों से जाना जाता है। ये सभी नाम परमात्मा के लिए प्रयुक्त हुए हैं और ये हाथ में अंगूठे की महत्ता को प्रदर्शित करते हैं। पुराणों में, सिद्ध ग्रंथों में, वेद, उपनिषद इत्यादि में इसे परम तत्व, परम ब्रह्म, परमेश्वर, परमात्मा इत्यादि नामों से संबोधित किया गया है। परमात्मा का स्वरूप अंगूठे के समान माना जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्लोक 3:13-18 में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी के नासिका छिद्र से अकस्मात अंगूठे के बराबर एक वराह शिशु निकला और अंगूठे के पोरुए के बराबर दिखने लगा और वह प्राणी वराह क्षण भर में पर्वत के समान हो गया। अब आप इस अध्याय में एक एक करके रेखाओं को देखेंगे। ये पहली रेखा है धनी, हेमवती, मदयंतिका, चेतसा, रति, हृदया, वसुघ्नी,
रोम विश्रासु, ये है यवक्या राग बधीरा गजाह्या बाल हृदया वशुप्रेक्षा। अंगूठे में चार लाइनें चार रेखाएं दिखाती देती हैं जो मनुष्य के जीवन की चार अवस्थाओं को बताती हैं। पहली अवस्था बाल्यावस्था, दूसरा ब्रह्मचर्य, तीसरा गृहस्थावस्था और चौथा वानप्रस्थ। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये अंगूठे पर नाखून के नीचे चार अलग अलग रेखाएं बताता है। अंगूठे पर पाए जाने वाली अन्य रेखाएं हैं, इनको संख्याओं के माध्यम से दिखाया गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पुष्प फल रेखा, मधुरा रेखा, मंद्रा रेखा, मन रेखा, रति रेखा, मल्लिका रेखा, वज्र रेखा, केसर रेखा, रिपु रेखा। इसके बाद आती हैं लोहिका, करी दंतुरा, कामबल्ली, कपिला, युक्ता, माधवी, कंदली, भवित्री। इसके बाद हम अंगूठे का वर्गीकरण देखते हैं। ये है पॉइंटेड थंब, नुकीला अंगूठा। नुकीले अंगूठे के बाद कोनिकल शंकुआकार, वर्गाकार स्क्वायर थंब, स्पैचुलेट चम्मच के समान, रेक्टेंगुलर या आयताकार। अब हम विकास के अनुसार देखते हैं अविकसित या अनडेवलप्ड थंब, थिक थंब मोटा, स्लेंडर पतला और लंबा, क्रूक थंब टेढ़ा मेढ़ा अंगूठा, फ्लैट थंब राउंड थंब, ब्रॉड थंब फैला हुआ अंगूठा चौड़ा अंगूठा, क्लब्ड थंब गद्दीदार अंगूठा, वेस्टेड थंब बीच में पतला अंगूठा, पूर्ण रूप से विकसित अंगूठा। इसके बाद अंगूठे के तीन पर्व हैं, तीन खंड हैं। पहला दिखाता है डिज़ायर, दूसरा तर्क लॉजिक और तीसरा लव। तीसरा खंड जो है वो शुक्र है पर्वत के रूप में। अंगूठे के तीन भेद हैं मुख्य रूप से, न्यून कोणीय एक्यूट एंगल, राइट एंगल्ड एंड द थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल्ड। इसमें हमने प्रत्येक प्रकार के अंगूठे के गुण दर्शाए हैं, जिनको जानने के बाद हम किसी भी व्यक्ति की प्रकृति प्रवृत्ति को तुरंत यकायक जान सकते हैं। फिर अंगूठा, कई लोगों का अंगूठा बिल्कुल सीधा होता है, एकदम खड़ा हुआ, इस तरह से खड़ा हुआ स्टिप थंब, फ्लेक्सिबल थंब पूरा झुकने वाला मुड़ने वाला,
एक तो लचीला होता है और एक बहुत ज़्यादा लचीला होता है। अब इसके बाद हम लेंगे अंगूठे के प्रथम और द्वितीय पर के बीच में उपस्थित रेखाओं का जातक के ऊपर प्रभाव। पूरा आइलैंड बना हुआ है, यव बना हुआ है, दो यव बने हुए हैं, टूटा हुआ अपूर्ण यव है, एक सीधी सरल रेखा के रूप में है, खंडित रेखा के रूप में है, लहरदार रेखा के रूप में है, वक्र और फॉग द्विशाखित रेखा है, त्रिभुजाकार मोड़ है और एक ऐसी रेखा बनती है जो त्रिभुज बनाती है, लहरदार वक्र रेखा जिसको अंत में रेखाएं काटती हों, प्रारंभ में रेखा कटी फटी हो, बाद में सीधी हो जाए। इस चित्र के माध्यम से हमने इन रेखाओं को दर्शाया है। फिर है शुरू में टुकड़ों में, फिर यव की शक्ल में और नीचे अंत में नीचे मुड़ी हुई, प्रारंभ और अंत में बहुशाखित, खुले यव में समाप्त होती हुई खंडित रेखा, मत्स्याकृति मछली की फिश शेप्ड, कांटे के चिन्ह से क्रॉस जंजीर, कटी फटी सीढ़ी नुमा रेखा, खुला यव, सीधी हुई खंडित रेखा, कई रेखाओं के द्वारा दीप का निर्माण, यवमाला, आँख की आकृति। यहाँ पर आप स्वामी रामकृष्ण परमहंस को देख रहे हैं और इनके हाथ में ये चिन्ह मौजूद थे। अंगूठे पर कुछ चिन्ह पाए जाते हैं जिनमें से कि यव आइलैंड, इसको हम बार्ले भी कह सकते हैं, के समान होता है। अगर अंगूठे की संधि पर एक यव हो तो एक लड़का होगा, दो लव हो तो दो लड़के होंगे, यव टूटा हुआ हो तो गर्भपात होगा। अंगूठे पर तिल पाया जाएगा तो व्यक्ति धनी होगा, जल्दबाज होगा, तीर्थ यात्रा का प्रेमी होने के साथ जिद्दी स्वभाव का भी होगा। अंगूठे का नाखून, दो अंगूठे और अंगूठे के आकार से भविष्य की पहचान यहाँ बताई गई है। अंगूठे पर बने हुए चिन्हों का, संकेतों का फल बताया गया है। हम कई बार अंगूठे पर बहुत छोटे छोटे चिन्ह देखते हैं, जैसे शंकर है, चक्र है, छल्ले में दो खड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं, यू की आकृति बनी हुई है, समांतर रेखाएं हैं। तो ये रेखाएं अपना निश्चित रूप से फल दिखाती हैं। अंगूठे का विभाजन भी हमने यहाँ किया है, लंबा अंगूठा, दृढ़ अंगूठा और अन्य विभाजन भी किए, बेढंगे कुरूप अंगूठे के रूप में, झुका हुआ अंगूठा। तो ये सब अपना अलग अलग फल दिखाते हैं। इस प्रकार ये अध्याय लिखा गया है और अंत में एक ग्रिड होती है, जाली होती है जो शुक्र को ओर पाई जाती है, उसका वर्णन है। आशा है ये अध्याय आपके लिए उपयोगी साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे।